पंजाब विधानसभा उपचुनाव के दंगल में दिग्गज पसीना बहा रहे हैं। दावा खुद की जीत का हो रहा है। पंजाब में चारों सीट पर चुनावी शोर है। कांग्रेस की नजर जलालाबाद और फगवाड़ा सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि ये सीट सुखबीर बादल और सोम प्रकाश के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। अपने किलों को बचाने के लिए अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल खुद मैदान में हैं। सुखबीर सिंह बादल ने घर घर जाकर अकाली दल के उम्मीदवार राज सिंह के लिए वोट मांगे। सुखबीर बादल का कहना है कि जलालाबाद सीट पर अकाली दल मजबूत है। शायद उम्मीद ही ना की हो तो वह मैं काम किया। मेरे मन च एक शौक होंगे कि जी चीज मगर पै जाना मैं उन्होंने पूरा मुकम्मल कर रहा। कई मैं लगता 50-60% 70% ऐसी चीजा बनाई इतने जो किसी ने सोचा भी नहीं मंगया भी नहीं। हूँ 2.5 साल कांग्रेस का राज हो गए। 2.5 साल च एक बार भी ये मुख्यमंत्री जलालाबाद आया? एक बार भी इन्हों का कोई मंत्री आया? आज जो उन्होंने आमला उम्मीदवार है कि दिखाई दिता? जनता को ताकत है, थोड़े को ताकत है, तुम पछाणते हो कि अपना केड़ा काम कर सकता, केड़ी बांह फड़ सकता। जलालाबाद से सुखबीर बादल के सांसद बनने के बाद सीट खाली हो गई थी। विरोधियों की नजर इस सीट पर है। पंजाब विधानसभा की 4 सीटों पर 21 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। 4 विधानसभा सीटों फगवाड़ा, जलालाबाद, मुकेरिया और दाखा में मतदान 21 और मतगणना 24 अक्टूबर को होगी। फाजिलका से सुनील नागपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।